नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश बाबू कुशवा है। सर्वेश जी आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/2014 की ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर, नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था। काली मंदिर में जा कर के, शनि देव मंदिर में जा कर के प्रत्येक शनिवार को दीप जलाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारी सास और हमारी ससुर जी टीवी पे साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया करता था, वो उनको देखा करते थे। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पैर में, उनके गलाव लगा हुआ था, उनके भयंकर दर्द होता था। एक दिन बोले, अगर इन परमात्मा सबका दुख हरते हो, सबका दर्द दूर हो जाता है संत रामपाल महाराज जी, तो हमारा भी रात भर में अगर दर्द दूर हो जाता है तो मैं आपके शरण में आऊँगा। सुबह हुआ तो उनका दर्द कम हुआ, बरमाला आश्रम गए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ, नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर वो अपने घर आए तब हम लोगों को बताया उन्होंने ऐसी ऐसी, तो हमने भी साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का संग सुना। हमारे पिताजी की आंखें खराब हुई थी, उनको दिखाई नहीं पड़ता था बिल्कुल ही। तो सर हुआ क्या, हम लोगों ने सबनों प्लान कर ली वहाँ जाने के लिए। सतलोक आश्रम बरमाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचा और 10/2014 को हमारे पिताजी, मम्मी जी और हम, हमारी भक्तमती, हमारे बच्चों ने नाम दीक्षा ली और परमात्मा से आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो इतने सारे प्राप्त हुए, अगर हम गिनाते गिनाते शाम से सुबह हो जा। पहला तो लाभ हमारे पिताजी की जो बिल्कुल नज़र बंद थी, दिखाई नहीं पड़ता था। सर मैं पिताजी को दिल्ली ले गया एसएन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरों से जांच करवाई। डॉक्टर बोले कि ऐसा है, आपके पिताजी की आँख की जो नस थी वो फट चुकी है, इनकी रोशनी कभी वापस नहीं आएगी, आप इनका ऑपरेशन कराने कोई मतलब नहीं है और आप इनको ले जाइए और जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है और इनकी रोशनी आएगी भी नहीं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए और बाकी रोशनी परमात्मा खुद ही दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने मेरी बात सुनी, बड़े जो अधिकारी डॉक्टर थे उनके पास फाइल भेजी कि उन पर आदेश करा के लाइए, उसके बाद मैं ऑपरेशन करूँगा। लास्ट में हमारा पिताजी का ऑपरेशन किया गया आँख का। जब एक घंटा ऑपरेशन चलने के बाद वापस आए, फिर सुबह जब हुआ तो उन्होंने वो पट्टी हटाई आँखों से, तो ऐसा मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी आँखों में रोशनी एकदम आ गई। और डॉक्टर साहब ने पूछा, कुछ दिखाई पड़ रहा है? वो बोला, मुझे आज सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कई दिनों से कई महीनों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो आज मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और थोड़ी देर बाद पलंग से नीचे उतर करके और तुरंत अपने टॉयलेट बाथरूम करके आए और बैठे और बोले, आज संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया की, जो आँखों की रोशनी आ गई। और सर लाभ इतने बताऊँ मैं, एक बार मैं आगरा में ही निकल रहा था तो एक साइड का टूट गया था, एक साइड पब्लिक आ जा रही थी, तो उधर से रात हो गई थी मेरे को, तो यहाँ पुलिस वालों ने एक बैरियर लगा रखा था, रोड जाम कर रखी थी, तो उसमें एक तार आता टेलीफोन का, मोटा तार बहुत बाहर थी, वो उन्होंने बांध रखी थी सर लंबी लंबी, तो वो रोशनी में मुझे दिखाई पड़ी नहीं। और मैं 50 की स्पीड पे बाइक चला रहा था, मैं हेलमेट लगाए हुआ था तो रोशनी पड़ रही थी, तो इसलिए मुझे वो वायर दिखाई पड़ा नहीं। मैं सीधा बाइक उस वायर में जाके टकरा गई, आगे का हैंडल और आगे की जितनी भी लाइटें वाइटें थी पूरा टूट करके वो पूरा हैंडल मेरे आके यहाँ छाती में अड़ा। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की ऐसी दया रही, हम पे एक खरोंच तक नहीं आई। अगर मालिक की दया ना होती तो आज मेरी गर्दन कट के दूर गिरती जाकर, मैं उस वक्त जीवित नहीं रहता अगर संत रामपाल जी महाराज की दया ना होती तो। और सर दूसरा चमत्कार तो 2019 का है कि मुझे 2-3 दिन बुखार आया तो एक दिन हुआ क्या,
मैंने अपनी भगतमती से कहा कि आज कुछ मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा है, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत निश्चित है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने क्या बात, डॉक्टर दिखाया हो? तो हुआ क्या सर, हमारे मुंह से ब्लड आ रहा था। तो मैंने कहा ब्लड अगर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं दांत में कोई ख़राबी हो या किसी कारण से आने लगा होगा। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, उनके यहाँ से मैंने दिखाया, उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने दवाई दे दी, दवाई मैंने वो ले ली दोपहर में। उसके बाद खाना खाया, खाना खा करके मैं लेटा और लेटते ही मेरे दिमाग में आया कि ये दवाई कुछ ठीक नहीं है। मैं तुरंत उठा और वापस दूसरे डेंटल के पास गया, उन्होंने देखा तो उन्होंने कही तुम्हारे न तो मुँह में कमी है न तुम्हारे दांत में कमी है, आप जाइए किसी फिजिशियन के पास जाइए, वहाँ दिखाइए जा करके। मैं अपने एक फिजिशियन के बिस्वाई डॉक्टर कमला नगर आगरा में रहते हैं, उनका वहीं हॉस्पिटल है, मैं गया उनके पास, उनको दिखाया, उन्होंने तुरंत कहा कि आप जाइए टेस्ट वेस्ट कराइए, आपके उसके प्लेटलेट डाउन है, आपके पूरे शरीर में चथके पड़ गए हैं काले काले, तो इसमें प्लेटलेट डाउन है आपकी, आप जाइए और टेस्ट कराइए। टेस्ट के लिए लिख दिया, मैं टेस्ट के लिए गया आगरा दिल्ली गेट पे, एक बड़ी लैब है साइंटिफिक के नाम से, वहाँ जा कर के मैंने टेस्ट कराया। जब टेस्ट के वक्त जितना स्टाफ था वहाँ का वो हमारे मुँह देख रहा था, कह रहा था कि आपको कुछ हो नहीं रहा है। हमने कि मुझे क्या होगा, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वहाँ का स्टाफ जितना था डॉक्टर थे कि आप इतने बीमार हो, आपको इतनी परेशानी है, आप कह रहे मुझे कुछ हुआ नहीं है। अब मैंने कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे बता दूँ, झूठ बोलूँगा क्या आपके समय? फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए और कमला नगर सेंटर पर जाइए, वहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगी। मैं वहाँ पर गया सेंटर पर, तो वहाँ से एक बड़े डॉक्टर ने फ़ोन करा, कहा कि इनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, दोबारा रिपोर्ट कराइए। फिर उन्होंने दोबारा रिपोर्ट कराई, तो प्लेटलेट अकाउंट जब रिपोर्ट आया हमारा तो 15,000 आए। तो डॉक्टर ने एडमिट के लिए मैं गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे नहीं, कंप्यूटर ने हमारा जो रिपोर्ट देखा बोला कि ये आपका पेशेंट कहाँ है, अब लाइए उसको एडमिट करिए, इसकी बहुत हालत ख़राब है, बहुत सीरियस है रिपोर्ट के हिसाब से। तो मैंने कही पेशेंट कोई नहीं है सर, पेशेंट मैं ही हूँ, मुझे एडमिट करिए। कंप्यूटर बोला कि आप पेशेंट हो, आप तो सही हो। हमने सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की दया है, आप कंप्यूटर साहब मुझे एडमिट कर लीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिला के एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू पैक की ज़रूरत है, जम्मू पैक की व्यवस्था मैंने कर ली, इधर उधर करवाए के व्यवस्था हो गई हमारी, लग गया जम्मू पैक। दूसरे दिन जब टेस्ट कराया तो प्लेटलेट 15,000 की 5,000 रह गई। जब 5,000 रह गई प्लेटलेट, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, हे मालिक, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी भक्तमती, ये संसार वाले मेरे घर वाले इसको जीने नहीं देंगे, अगर मेरे कुछ हो गया तो इसको कोई जीने नहीं देगा। तब मालिक से प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज से, गुरुजी का सर आदेश यह आया, मालिक दया करेंगे और आप भक्ति करो। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और उन्होंने अपना जम्मू पैक निकलवा के मेरे शरीर में डलवा दिया। अगले ही दिन प्लेटलेट 5,000 से लेकर के 34,000 बढ़ गई और मालिक संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हुई हम पर। आज तक स्वस्थ हूँ, देख रहे हैं आप, आपके सामने खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर दूसरा लाभ ये है, हमारी जो पत्नी थी उसको एलर्जी की बीमारी थी, वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी, कम से कम 4-6 साल बहुत परेशान रही। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा, ऐसी दया हुई नाम दीक्षा लेने के बाद, तुरंत उनकी ये भी बीमारी कट गई। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर नशा तो मैं बहुत करता था, बियर भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पीता था सर, और यहाँ तक कि गुटखा भी, पान सब कुछ करता था, जितने भी विकार थे मेरे अंदर थे सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे विकार ऐसे गायब हो गए जैसे बिल्कुल हमारे शरीर में कोई विकार था ही नहीं, जितने भी हमारे नशे पत्ते थे सब छूट गए। हमारे बहुत कोशिश कर रहे थे पहले हमने कि जो विकार छूट जाए, बीड़ी छूट जाए, गुटखा छूट जाए, बियर छूट जाए, लेकिन कुछ छूट ही नहीं रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद हमारे जितने भी नशा पत्ते थे सब खत्म हो गए, आज मैं स्वस्थ हूँ। सर मैं पहले 10 साल बाबा जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा रहा,
लेकिन वहाँ न तो मेरी बीड़ी छूटी, न तो मेरे गुटका छूटा, न तो मेरी बियर छूटी। वहाँ पे जहाँ पे सत्संग हुआ करता था जय गुरुदेव बाबा के यहाँ, तो लोग वहाँ पे तो खुलेआम व्यक्ति थी, लोग वहाँ पीते भी थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, सब इमाल करते थे। लेकिन जय गुरुदेव गुरु जी ने कभी ऐसे कोई वही नहीं करा। उनके पास सच्ची भक्ति नहीं थी, सच्चा ज्ञान नहीं था, सच्चा मार्ग नहीं था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि आपके पिताजी की रोशनी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वापस आ गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु, जो भी हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अनेक साधन हैं। हर एक जिला में नाम स्थल केंद्र खुला हुआ है, नाम स्थल पर चले जाइए और निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत सर।